एवरीवन, मैं डॉक्टर भवानी सिंह प्रजापत रॉयल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूँ। अपन बात करें बीएचयू पेपर की। अपने जेट और आईसीआर दोनों पेपर हो चुके हैं, अपने पास ऑप्शन बचा है बीएचयू का। तो आपके बीएचयू में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं और अपने को क्यों तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए रीज़न ये है कि जो बच्चे जिनको आईसीआर में जाना था वो आईसीआर में काउंस डेफिनेटली उनसे अंदाज लग गया, जिसको अगर जेट में जाना है डेफिनेटली उनके जेट के थ्रू कॉलेज अलॉट हो चुकी है। तो अपन रिमेनिंग कौन सा है? बीएचयू है। तो बीएचयू में आराम से अगर जो बच्चा गलती से जेट और आईसीआर में रह चुका है, जो अच्छा इंटेलिजेंट है, और वैसे भी अगर मान लो आप बीएचयू में जाना चाहते हो, किसी को चॉइस होती है कि सर मैं बीएचयू में जाना चाहता हूँ, तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू रखो, और हमेशा अपने को ऐसा करना, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि कोई भी अपने को टेंशन नहीं लेना कि कोई सिलेबस ज़्यादा है या कुछ अलग है। डेफिनेटली एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक है जो अलग है, जो आपको वैसे भी करवा दी गई। पेपर अपने इसलिए सोल्व कर रहे हैं, पेपर में जहां पर भी अपने को अगर मालूम होगा कि इसका रीजन देना चाहिए, डेफिनेटली मैं रीजन दूंगा, लेकिन बच्चों की डिमांड से ज्यादा ज्यादा जल्दी से कराओ ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, सिलेक्शन लेना है तो एक चीज याद रखना, हमेशा जो भी क्वेश्चन करते हो आप पेपर के, मैं आपको करवा रहा हूं उस क्वेश्चन के, हालांकि आप जल्दी करवाएंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिले आपके पास जो भी पीडीएफ है, हमेशा जो भी पेपर सोल्व करते हो या आपके पास में ऑब्जेक्टिव है, उनके चार ऑप्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि चार ऑप्शन में क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ एक दूसरे की सिमिलर होती है, आपने भी बहुत बार किया होगा। चलो ठीक है, आ चुके हैं सभी, चलो ठीक है, लाइव और इसको अपने को जो भी लाइक कीजिए इसको और अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। कभी ज़्यादा डिमांड थी सर बीएचयू का पेपर करवाओ, तो डेफिनेटली आ चुके हैं, अपने साथियों को जो भी हैं उनके ग्रुपों में शेयर कीजिए। चलो ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है बीएचयू, अपन 2020 का पेपर है, बीएचयू 2020 का पेपर है इसमें, तो कैसा है, किस प्रकार का लेवल का क्वेश्चन आया, दोनों इंग्लिश और हिंदी में, ज़्यादा हिंदी में पेपर करूंगा क्योंकि बच्चे हिंदी के लिए बोलो। ठीक है, देखो गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, मतलब गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन द व्हीट ग्रेन्स, देखो आपको इंग्लिश में आप खुद देख लेना क्योंकि नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी बता रहा हूं। अब गेहूं में कि दाने में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है 28 से 30, दूसरा 22 से 25, और तीसरा अपने पास 15 से 20, और तीसरा कौन सा है 9 से 12। अब अपने को देखो ऑप्शन बहुत ही अलग अलग है, बहुत वाइड है, तो आराम से आप कर सकते हो, तो इसमें जो भी है वो कितना आएगा बताओ। देखो ऑप्शन में गेहूं में प्रोटीन की मात्रा, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहां पर चेतन ने बताया सर चार आएगा, बहुत ही अच्छा चेतन, कुलदीप ने यहां पर दो बताया, तो यहां पर इस चीजों को अपने को मालूम होना चाहिए कि देखो ये अपने पास में होता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, बहुत वाइड है, क्योंकि अपने को ये पढ़ाया जाता है लगभग, अपने को 12 से 14 पढ़ाया जाता है, अगर 12th की बुक के हिसाब से वैसे लगभग कितना होता है 10 से 12 के लगभग होता है, अगर अपन देखें तो वाइड रेंज, तो देखो इसमें से आसपास कहीं नहीं मिला, तो एक ही ऑप्शन कितना है 9 से 13% प्रोटीन पाई जाती है। अब इसके रिलेटेड कैसे क्या बताया, मैंने आपको पहले बताया कि कैसे पढ़ना अपने को, किस किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना, कि जैसे मान लो अपने को पूछा कि गेहूं में प्रोटीन में कितना प्रोटीन होता है गेहूं के दानों में, अब गेहूं की जो प्रोटीन उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूटीन कहा जाता है, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो याद रखना खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है वो किसमें होती है, गेहूं में होती है, किसमें होती है, गेहूं में, और सबसे कम की बात करते हैं वो किसमें होती है, धान में होती है, मतलब सबसे कम की बात करते हैं धान में होती है, और सबसे अधिक किसकी बात करें वो होती है गेहूं में, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन अपने बन गए गेहूं के रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर हो गया, सभी बच्चों का लगभग चार था, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप भी सोल्व करो तो चार ऑप्शन का मालूम होना चाहिए, इजी है पेपर, एकदम इजी आता है, बस हमेशा आपको हैंडल करना चाहिए कि कैसे पेपर को हैंडल किया जाए। सेकेंड क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, पहला ऑप्शन अपने पास में राजमा, दूसरा है गन्ना, तीसरा है धान, और चौथा अपने पास मक्का, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। अब यहां से रिलेटेड तीन क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाँ सर चावल कम चावल में होता है, बहुत अच्छी बात है, तो यहां पर गेहूं बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन की संरचना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो वो अपने को मालूम होना चाहिए कि हमेशा वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण है दलहनी फसल, कौन सी करती है, दलहनी फसल होती है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एंजाइम और बैक्टीरिया की सहायता से वो क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, सहजीवी भी करती है और असहजीवी भी करती है, लेकिन बात करते हैं दलहनी कौन सा करती है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, सभी की सभी दलहनी फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन बात करते हैं अपवाद,
अपवाद में कौन सा होता है? राजमा, जो कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती है। याद रखना, राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती है। मतलब ये करती तो लेकिन बहुत ही कम, साई नाइट्रोजन फिक्सेशन करता, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट की बात करते हैं। इसलिए इसमें खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें नाइट्रोजन दी जाती है। याद रखना, अपने पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती, तो अपने को राजमा करना है। अगर कितना देते हैं तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो देखो सिंपल है, पिछली बार जो आया था इसमें धान माना था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या बनाया? राजमा। क्योंकि राजमा को इसलिए माना है ना कि राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता है, लेकिन इन चार ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में क्या करती है? राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। अगर यहां पर नाइट्रोजन का नहीं आता तो अपने क्या अनुसार करना है? धान। हालांकि धान को भी मान सकते हैं, क्योंकि धान में जैसे अपन क्या करते हैं, पानी भरते हैं, तो पानी मरने से वहां पर क्या होता है? एजोला। कौन सा होता है? एजोला और बीजी होता है। ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। तो यहां पर ये भी अपन कर सकते हैं, लेकिन इसको माना गया कौन सा? राजमा माना गया। तो ये अपना कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। चलो ठीक है, हाँ बहुत ही अच्छी बात। तो पेडी को भी, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था सर पेडी भी क्यों है, तो रीजन बता दिया, क्योंकि जब धान में पानी भरते हैं तो वहां पर एजोला और बीजी क्या होता है? वहां पर निर्माण होता है जो कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। ऐसे तो हर फसल क्या होती है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन मोस्टली बात करते हैं आपको कौन सा आएगा? राजमा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्टेट में, लास्ट वाली क्लास में बता दूंगा कि स्टेट में कौन कौन से क्लास जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। कई बार देखो एक तो एरर का भी आ जाता है, वो भी बताएंगे आपको। तो इसमें क्वेश्चन है, सहजीवी गुणांक, सहसंबंध गुणांक का रेंज क्या होता है? मतलब एक तो होता है कोरिलेशन कोफिशियंट होता है, एक होता है रिग्रेशन कोफिशियंट। कौन सा होता है? रिग्रेशन कोफिशियंट, कोफिशियंट की बात करते हैं। एक तो कौन सा होता है? रिग्रेशन। दूसरा कौन सा होता है? कोरिलेशन। इन दोनों का ही पूछते, दोनों का मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ अभी देखो सर यहां पर बोल रहे हैं, हाँ आईएमडी की बात कर। देखो डियर, आपको मैंने बुक भेज दिया है, मैंने बुक में 1975 दे रखा है और वहां पर पुणे महाराष्ट्र है, लेकिन साइट में देखते थे वहां कोलकाता भी और नई दिल्ली, पूरी हिस्ट्री है उसकी। लेकिन हमने जो है सर को मैंने दे दिया है बुक का, वो आपको रेफर देके उसको लगवा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। यहां पर बोल रहे हैं अनिल, बोल रहे इसमें माइन प्लस वन से माइनस एक होता है, लक से आर एस, यहाँ पर ए बता रहे हैं। नवीन यहाँ पर क्लासेज बोल रहे हैं सर इसमें एक आएगा। चलिए बात करते हैं, ज्योति यहाँ पर एक बता रही है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? माइनस एक से प्लस वन। लेकिन अगर रिग्रेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना माइनस अनंत से कितना होगा? प्लस अनंत हो गया। याद रखना इन्फिनिट की बात करते हैं, तो ये अपने को दो पूछ सकते हैं। या तो पूछेगा कौन सा पूछेगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर दूसरा पूछेगा तो याद रखना वो कौन सा होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। कौन सा होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट का आएगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत की बात करते हैं, याद रखना। लेकिन इसमें कौन सा आएगा? माइनस एक से प्लस एक। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा नन्ना किस फसल की प्रजाति है? पूसा नन्ना किस फसल की प्रजाति है? पहला ऑप्शन नारियल, दूसरा अपने पास अमरूद है, तीसरा अपने पास पपीता है, चौथा अपने पास आम है। पूसा नन्ना किस फसल की? इसमें बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हाँ चलो बोलिए, यहाँ पर सुनील सर इसमें तीन आएगा, बहुत ही शानदार। सुनीता यहाँ पर तीन बता रहे हैं, दीक्षा यहाँ पर तीन बता रहे हैं, ठीक है, चेतन यहाँ पर तीन बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान रखना पूसा नन्ना किसकी किस्म है? पपीता की किस्म है। किसकी है? पपीता की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग होता है? कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग होती है? पहला ऑप्शन है अपने पास मक्का, दूसरा है अपने पास धान, तीसरा है अपने पास में गन्ना, और चौथा कौन सा है? डेचा। कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग। तो इसमें बताओ कौन सा आएगा? हाँ असल यहाँ पर इसी का बोल रहे हैं, यहाँ पर दो आएगा, बहुत ही शानदार। यहाँ पर गोविंद यहाँ पर हाँ पपीता की है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ ओम प्रकाश यहाँ पर बोले सर इसमें चार आएगा, बहुत ही शानदार। कौशिक यहाँ पर चार बता रहे हैं, और यहाँ पर दीक्षा चार बता रहे हैं, प्राची चार बता रहे हैं, सुनील चार बता रहे हैं, चेतन चार बता रहे हैं। तो कौन सा है इसमें? तो कुछ सिंपल है, इसमें कोई बात ही नहीं है। हरी खाद किस फसल के होते हो अपने को मालूम है? हरी खाद में डेचा किया जाता है, सनई किया जाता है, ग्वार किया जाता है, ठीक है, चावला भी कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कौन से होते हैं? अपने नॉर्मली बात करते हैं, ये तो कौन से होती है? ग्रीन मैन्यूरिंग। लेकिन अगर पत्ती की बात करते हैं, पत्ती वाली फसल कौन कौन सी जो पत्ती की सहायता से हरी खाद बनाते हैं, वो कौन सा हो गया? तो सुबबूल। कौन सा हो गया? सुबबूल हो गया, ठीक है, करंज हो गया, और महुआ।
ये क्या करते हैं, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। कौन सी होती है? ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ध्यान रखना, सुबबूल, करंज, महुआ, इनको अपन ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग के लिए यूज किया जाता है। लीफ मैन्योर पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना। आजकल ये क्वेश्चन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि कौन सी फसल को ग्रीन लीफ मैन्यूर के लिए उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना सुबबूल, करंज और महुआ का उपयोग ग्रीन लीफ मैन्यूर के लिए उपयोग किया जाता है। इनकी जो पत्तियां या छोटी टहनियों को क्या करते हैं, पौधों से अलग करके और खेत में लाया जाता है, और खेत में लाने के बाद इसको खेत में डालकर इसको किसकी सहायता से, एमबी हल की सहायता से मर्दा में पलटा जाता है। अपने क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एमबी हल का उपयोग किस लिए किया जाता है, या हरी खाद में कौन सा हल का उपयोग करते हैं, तो कौन सा करते हैं, एमबी प्लाव का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है। और हरी खाद का मुख्यतः कब करते हैं, तो याद रखना समय की बात करते हैं तो इसको फूल आने पर, कब करते हैं इसको, फूल आने पर। ठीक है, अब इसमें भी कई दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है फूल आने से पहले वो क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जहां पर शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में हमेशा हरी खाद का उपयोग फूल आने से पहले करना चाहिए, फूल आने से पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फूल आएंगे, जैसे जैसे उसकी अगर मान लो एज बढ़ेगी, लिग्निन कंटेंट बढ़ जाता है, सीएन रेशियो बढ़ जाता है, और उसमें जो भी ड्राई मैटर होता है शुष्क पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, और इसमें क्या होता है अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है। तो अपने को ये याद रखना है, हरी खाद के लिए एमबी प्लाव का यूज किया जाता है, डेचा, सनई, ग्वार, चवला का उपयोग किया जाता है, ग्रीन लीफ मैन्यूर का उपयोग में कौन सा करते हैं, सुबूल, करंज, महुआ, इसका उपयोग किया जाता है। सभी बच्चों का ठीक था, इसमें कौन सा आएगा, डेचा, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। मिस प्रिंट हो गया आपकी एग्जाम में भी, ऐसे आया था सूक्ष्म पोषक तत्व था आपकी एग्जाम में भी, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, हाँ सर, बीएचयू के लिए कृषि विज्ञान की मैराथन क्लास करवाइए प्लीज। ओ अच्छा, फूल आने से पहले मैंने बता दिया, ओके ठीक है डियर। अब बात कर देखो, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं। देखो वैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होता नहीं है, यहां पर कौन सा था वो पोषक तत्व, किसकी बात करते हैं, पोषक तत्व हो गया। Which of the follow micronutrient is most used for enhancing oil content in mustard? तो कोई भी तेल वाली फसल की बात करते हैं, कोई भी तेल वाली फसल की बात करते हैं, उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए हमेशा सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं। याद रखना सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ तिलहनी फसलों में या तेल वाली फसलों में कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कि जैसे अपने पास में कौन सा हो गया, एसएसपी हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, मोस्टली ये उसके थाई यूरिया का भी उपयोग करते हैं, थाई यूरिया का भी पड़ने छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन एसएसपी, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि इनमें क्या होता है सल्फर की मात्रा होता है, इसलिए हमेशा जब भी तिलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमेशा सल्फर युक्त। तो यहां पर कौन सा है, बोरोन हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, लोहा, तो यहां पर कौन सा जाएगा, सल्फर। सभी जानते हैं इसके बारे में, काफी सारे बच्चों ने बताया, इसमें गोविंद ने बताया इसमें दो आएगा, सर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कृष्णा ने यहां पर दो बताया, बहुत ही, लक्ष्य ने यहां पर दो बताया, तो यहां पर कौन सा आएगा, सल्फर की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस प्रयोग किया जाता है, किसान प्रयोग करता है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसान प्रयोग करता है, मतलब क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन से मृदा सुधारक का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास में एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश को क्या बोलते हैं, एमओपी, या इसको क्या बोल सकते हैं, केसीएल बोल सकते हैं। दूसरा है अपने पास यूरिया, तीसरा है अपने पास चूना, और चौथा कौन सा है, जिप्सम। यहां पर मैं चार क्वेश्चन बताऊंगा, लगभग ये रिपीट होते हैं अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पर बी बता रहे हैं नॉर्मली कि सर इसमें यूरिया नहीं, चार किया जाएगा। सचिन मीणा यहाँ पर चार बता रहे, बहुत ही अच्छा सचिन, चार बता रहे इसमें। हाँ जिज्ञासा यहाँ पर चार बता रहे, तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा होगा, जिप्सम हो गया, याद रखना। लेकिन बात करते हैं कि अगर अपने अम्लीय मृदाओं की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसको अम्लीय मृदाओं के लिए, किसकी बात करते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग करते हैं, जबकि क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम करते हैं। लेकिन बात करते हैं कि लवणीय मृदाओं के लिए, ये भी आपको मालूम है, तो ध्यान रखना लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए निक्षालन का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, निक्षालन का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं लीचिंग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग। याद रखना लवणीय मृदाओं को सुधारने का सबसे अच्छा विधि कौन सी होती है, निक्षालन, क्या होता है, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है कि कोई भी घुलनशील लवण पानी के साथ मिलकर के उसे जड़ क्षेत्र से नीचे भेज जाना क्या कहलाता है, उसको निक्षालन कहा जाता है, जो कि लवणीय मृदाओं में मुख्यतः अपनाया जाता है। तो कौन सा आएगा इसमें, जिप्सम आएगा, और रिलेटेड अपने इसको बता भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन फॉर जीन। ठीक है,
की परिकल्पना किसने दिया था? बताओ देखिए, मैं देखूंगा कमेंट में इसमें, पहले जॉनसन ने दिया था, दूसरा फ्लोर ने दिया, थॉमस ने या डार्विन ने, ठीक है? तो जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दिया था, ठीक है? हाँ, अम्लीय मृदाओं के लिए चूना किया जाता, बहुत ही शानदार है। चलो बात करते हैं, परिकल्पना किसने दिया सर? इसमें दो आएगा सर, बता रहे इसमें तीन आएगा। हाँ चलो बात करते हैं, अनिल बोल रहा है इसमें सर, हाँ तो इसमें कौन सा आएगा? फ्लोर आएगा। कौन सा आएगा? फ्लोर आएगा। जीन फॉर जीन परिकल्पना किसने दिया था? फ्लोर ने दिया था, ठीक है? नेक्स्ट है डस टेस्ट, किसकी बात करते हैं? डस परीक्षण या डस टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया? मतलब डस परीक्षण हैज बीन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग, किसके लिए स्टार्ट किया गया? सबसे पहले पशु की नस्ल के लिए, दूसरा दूध की शुद्धता के लिए, तीसरा फसलों की स्कीम के लिए, चौथा सिंचाई के लिए। बताओ किसके लिए किया गया? अब आपको मालूम है कि ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रियली में आपको लगता है कि नहीं आते हैं तो उसको छेड़ना नहीं है, लेकिन ये चीजें होती हैं आपके लिए नहीं होती हैं, सभी के लिए नहीं होती, आपके लिए नहीं। आपको ये स्ट्रेस में नहीं लाना कि सर ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, नहीं जाने मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट है उनका यही लेवल रहता है, आपने जो पढ़ा है सबसे बेस्ट पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है? हाँ तो इसमें बोले सर बी आएगा, इसमें तीन बता रहे इसमें, ठीक है? सी, नाइन में सी, बहुत ही शानदार। तो कौन सा आएगा इसमें? फसलों की किस्म के लिए किया जाता है डस्ट परीक्षण, किसके लिए किया जाता है? फसलों की किस्म के लिए किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट है किस फसल में परपरागण होता है, किस फसल में परपरागण होता है? पहला ऑप्शन है मक्का, ठीक है? दूसरा है गेहूं, तीसरा है धान, चौथा है अपने पास मटर। किस फसल में परपरागण होता है? मक्का में, गेहूं में, धान में और मटर में, किस फसल में परपरागण होता है? चलो ठीक है, यहां पर रामा बोल रहे सर इसमें तीन आएगा, धान बता रहे हैं, यहां पर धीरज यहां पर एक बता रहे हैं, तीन बता रहे हैं, चलो ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया तो उस समय बताया था, एक चीज बताई थी कि जो भी खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है, खाद्यान्न फसलों की नॉर्मली बात करते हैं उसमें स्व परागण पाया जाता है। कौन सा होता है? स्व परागण पाया जाता है, ठीक है? जैसे उसमें एक तो कौन सा होता है? धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है, और ज्वार। ज्वार में अलग ओफन पाया लेकिन बता रहे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों की, बात करते हैं इसको छोड़ो अभी आप। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एक तो कौन सा? मक्का, ठीक है, और एक कौन सी बात करें? बाजरा। याद रखना मक्का और बाजरा। तो मक्का के अंतर्गत क्या होता है? परपरागण पाया जाता है। कौन सा होता है? परपरागण पाया जाता है, ठीक है, जबकि इसमें भी कौन सा होता है? परपरागण पाया जाता है। दोनों में, दोनों में कौन सा होता है? परपरागण। तो देखो मक्का तो होगा क्योंकि इसमें परपरागण पाया जाता है, चलो सही बात है। गेहूं में स्वपरागण पाया जाता, हो नहीं सकता है, धान में नहीं हो सकता, स्वपरागण है, और मटर में तो आपको मालूम नहीं होगा कौन सा होता है, इसमें स्वपरागण होता है। तो कौन सा आएगा? मक्का आएगा। कौन सा आएगा? मक्का, क्योंकि मक्का और बाजरा में परपरागण पाया जाता है, और मक्का में जो नर भाग होता है वो सबसे पहले आता है, उसको बोलते हैं टेसल। क्या बोलते हैं उसको? टेसल कहा जाता है, और आने की क्रिया क्या बोलते हैं? टेसलिंग कहा जाता है, और इसको हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डीटेसलिंग। क्या बोलते हैं इसको? डीटेसलिंग कहा जाता है। अपने पूछ सकते हैं कि बताओ डीटेसलिंग किस फसल से संबंधित है, तो क्या करोगे आप? मक्का। कौन सा करोगे? मक्का करना है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आएगा? मक्का। ऐसे ही बाजरा क्या होता है? इसमें परपरागण पाया जाता है, याद रखना। ये तो होता है प्रोटोएंड्री। कौन सा होता है? प्रोटोएंड्री की बात करते हैं, ठीक है, और ये होता है प्रोटोगाइनी। कौन सा होता है? प्रोटोगाइनी, याद रखना। प्रोटोएंड्री में क्या होता है कि इसमें नर भाग पहले आता है, जबकि प्रोटोगाइनी में क्या होता है? इसमें मादा भाग पहले आता है। कौन सा होता है? मादा भाग। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो देखना आपके लगभग जो भी पेपर उनको देखोगे आप, लास्ट में जाते जाते आपको मालूम चल जाएगा कि सर वास्तव में रियल में पेपर सोल्व करने के बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। हाँ हाँ सर इसमें आएगा डेफिनेटली, हाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सर ओबीसी में 72 है, चांसेस है आपके सुपरवाइज में, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी की बात करते हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो होप फॉर वेस्ट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया? रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में। बताओ आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? बताओ देखे इसमें, हाँ आरआरबी की स्थापना, देखो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आईएमडी के बारे में बात करते हैं तो आप साइट पे देखोगे तो उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, न्यू दिल्ली कोलकाता, उसमें कोलकाता दे रखा है आईएमडी के में, ठीक है, साइट पे देखते हैं तो आईएमडी। लेकिन बात करते हैं बुकों की, बात करते हैं तो उन बुकों में
कई जगह ऐसे डिटेल में दे रखा है, मैंने मेरे पास भी सबूत इस चीज़ के मैंने दे दिया सर को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या मानते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने कोलकाता माना है, मैंने भी देखा उसको, तो उसमें बुकों में लिख रखा है कि IMD का एस्टैब्लिशमेंट पुणे में हुआ था, उसके ब्रेक में 1975 दे रखा है। तो अपन जो भी पढ़ाते हैं नियरली क्या बुकों के हिसाब से पढ़ाते, ताकि कोई भी अपने ऑब्जेक्शन करे तो दे सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। हाँ तो इसमें बताओ कौन सा आएगा, 1965 बता रहे हैं, ठीक है 1965। चलो तो इसमें कौन सा आएगा, 1975 कौन सा आएगा, 1975 की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, अमित मीना ने 1970 बोले, 1975 आएगा, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा, आपका एडमिट कार्ड आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा एकदम अच्छे से देना है पेपर को, कोई ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, एकदम लेवल का अगर आपने तैयारी की है तो डेफिनेटली BHU कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन बस इतना ही है कि अपने जो भी पेपर है उनको देखो लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, वो सभी सोल्व करना है। निम्न में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है, निम्न में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयोग की जाती है, मूंगफली के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए और सरसों के लिए। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बात करता हूं कि जब भी अपन सोइल पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 बातें पढ़ते हैं, अगर पूछते हैं तो लगभग वही पूछते हैं जो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो हल्की मृदा की बात करते हो, हल्की मृदा के लिए कौन सा होता है, एक तो अब बात करते हैं इसमें आंसर कौन सा आएगा, इसमें मूंगफली, आपने सभी ने मूंगफली बताया, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इसकी भारी मृदा की बात करते हैं या काली मृदा की बात करते हैं, तो याद रखना काली मृदा के लिए कौन सा होता है, कपास, कौन सा होता है, कपास, याद रखना काली मृदा के लिए कपास होता है। और अपने पूछे कि कृषि की दृष्टि से कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखना दोमट मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, दोमट मृदा। अगर वहां पर दोमट नहीं होती है तो अपने कौन सा करना है, ब्लूई दोमट, कौन सा करता है, ब्लूई दोमट की बात करते हैं, कौन सा करना अपने को, ब्लूई दोमट होती है। और कौन सी मृदा संरचना कृषि की दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखना क्रुम्बी, कौन सी मानी जाती है, क्रुम्बी की बात करते हैं, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखना इस चीज को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हल्की मृदा के लिए मोस्टली जैसे मान लो कौन सा इसमें मूंगफली होती है, और भारी मृदा काली मृदा के लिए कपास सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए काली मृदा को कॉटन, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। दूसरी बात करें कृषि की दृष्टि सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, दोमट होती है। अगर ऑप्शन में दोमट नहीं हो तो कौन सा करेंगे, ब्लू दोमट करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि कौन सी संरचना सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, क्रुम्बी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें रंध्रकवास की संख्या ज्यादा होती है, क्या होती है, इसमें रंध्रकवास की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए संरचना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहां पर कौन सा आएगा, मूंगफली। तो आपको रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, DAP में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है, DAP में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन अपने पास में फॉस्फेट है, दूसरा अपने पास में फॉस्फोरिक एसिड है, तीसरा इसमें कौन सा है, फॉस्फेट है, चौथा कौन सा, तीनों में से सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस की बात करते हैं। यहां पर बोले सर इसमें एक आएगा, बहुत अच्छी बात है, हाँ फॉस्फेट बता रहे, इसमें फॉस्फाइड और फॉस्फेट की बात करते हैं, हाँ तो यहां पर बता रहे सर, हाँ रमसा यहां पर एक बता रहे हैं, ठीक है, और एक दो बता रहे इसमें। तो देखो इसमें बात करते हैं अपन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, DAP की बात करते हैं, DAP में जो फॉस्फोरस है फॉस्फेट के रूप में। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, क्लियर बताना चाहता हूँ कि किसी भी उर्वरक की बात करते हैं, किसी भी उर्वरक में जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा N के रूप में होता है, लेकिन किसी भी उर्वरक में अगर वहां पर फॉस्फोरस होता है, किसी भी उर्वरक में अगर फॉस्फोरस होता है तो याद रखना फॉस्फोरस मतलब उर्वरक में फॉस्फोरस P2O5 मतलब फॉस्फेट के रूप में होता है, किसी भी उर्वरक में पोटेशियम हमेशा K2O के रूप में होता है, किसमें होता है, K2O के रूप में होता है। ये तीन फैक्टर अपने को याद रखना है, इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपने को पूछे ना कि DAP में फॉस्फोरस की मात्रा, हालांकि आपने को दिमाग नहीं लगाना है लेकिन फिर बता रहा हूं, तो DAP में 18% तो क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन याद रखना 46% क्या होता है उसमें, P2O5 कौन सा होता है, न बल्कि P होता है, P नहीं होता है, क्या होता है, P2O5 होता है। लेकिन अपना इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि अपने को P और P2O5 में ज्यादा फर्क नहीं देंगे, अपने को यही करना है, कितना करना है, 46% करना है। लेकिन अगर अपने को पूछे कन्वर्जन फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पूछे कि बताओ P को अगर P2O5 में बदले तो किससे गुणा करेंगे, 2.29, और अगर मान लो P2O5 को P में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना 0.43 से गुणा करते हैं। ये भी अपने को कई बार पूछ सकते हैं कि बताओ P को P2O5 में बदलते हैं तो उसे कितने से गुणा करते हैं, उसका गुणांक फैक्टर होता है कितना होता है, 2.29। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन होगा। K की बात करते हैं, K में 1.20 और 0.83 होता है, वो आप जानते हैं, लेकिन K की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, P की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आएगा, फॉस्फेट, कौन सा आएगा,
फॉस्फेट आएगा, डीएपी में फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है उचित परिभाषित केंद्र पाया जाता है, उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है। सबसे पहला यूकैरियोट्स में, दूसरा है प्रोकैरियोट्स में, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया में, और चौथा है बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसे कहेंगे? बीजीए। किसको बोलते हैं? बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, याद रखना, बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अनिल यहां बता रहे हैं सर इसमें एक आएगा यूकैरियोट्स, बहुत ही शानदार। और यहां पर अजय यहां पर एक बता रहे हैं, बहुत ही गोदारा, यहां पर एक बता रहे हैं बहुत ही अच्छा शानदार। तो कौन सा आएगा इसमें? यूकैरियोट्स। कौन सा आएगा इसमें? यूकैरियोट्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान में खेरा रोग किसके कारण होता है? देखो मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चर की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, दैट इज इम्पॉसिबल। एक तो धान में खेरा रोग, दूसरा है मूंगफली में आप जानते हो कौन से रोगों को होते हैं, मैं आपको बताया पहले भी लेकिन आपको दोबारा बता दूंगा, और दूसरा होता है फूल गोभी में वीप टेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। ये दो ऐसे रोग है, व्हाइट बर्ड ऑफ किसकी बात करते हैं? मेज। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं सर। इसमें आएगा चार आएगा, किसी का गलत नहीं इसमें, सही बात है। कौन सा? जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण, याद रखना वहां पर जिंक का नाम नहीं लेके कई बार क्या होता है, पोषक तत्व की कमी के कारण। इसके कारण पोषक तत्व की कमी के कारण, ये क्या है? एक दैहिक विकार है। ठीक है, तो पोषक तत्व की कमी के कारण होता है ये। इसके जो खोज करता है वाई एल नेने ने, कहां पे इसको? पंतनगर में। कहां पे इसको? पंतनगर में इसके खोज कर, याद रखना इस चीज को, तो वाई एल ने इसके खोज करता है। ठीक है, तो धान का खर होता है धान में होता है और जिंक की कमी के कारण होता है, और मुख्यतः इसके खोजकर्ता कौन है? वाई एल नेने। कौन है? वाई एल नेने। और कहां क्या है इसको? पंतनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है इसमें क्या हो गया? फ्यूलोजन हो गया, दूसरा जाइलम हो गया, तीसरा फ्लोएम होगा, चौथा कौन सा? पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा की बात करते हैं। मतलब जब भी अपन बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है। ठीक है, लेकिन भोजन बनने से पहले मृदा क्या होता है कि पौधा जड़ों की सहायता से पानी लेता है। ठीक है, तो याद रखना पानी हमेशा किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है सबसे अधिक की बात करते हैं, और जड़ों में किसके द्वारा? जाइलम। किसकी बात करते हैं? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाते हैं? जाइलम के द्वारा, और उसमें भी पैसिव। किसकी बात करते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा होता है? पैसिव के द्वारा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं फ्लोएम। अब जैसे मान लो जड़ों के द्वारा जैसे पौधों में जाएगी, पत्तियों में भोजन बनेगा, पत्तियों में भोजन बनने के बाद जो भोजन होता है पूरे पूरे पौधे में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो यहां पर कौन सा आएगा? भोजन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, याद रखना। और जल की बात करता है तो जल किसके द्वारा होगा? जाइलम। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, याद रखना। पौधों में जब भी अगर मान लो पौधों में जाइलम के द्वारा पानी जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? याद रखना मास फ्लो। किसके द्वारा होता है? मास फ्लो के द्वारा, याद रखना इस चीज को। मतलब पौधों में जो पानी होता है जड़ों के द्वारा जाता है, किसकी सहायता से जाता है? वो जाइलम के द्वारा। लेकिन जो प्रक्रिया होती है कौन सी होती है? मास फ्लो। एक तो कौन सा होता है? मास फ्लो। दूसरा कौन सा होता है? डिफ्यूजन। लेकिन पौधों में जो भी जड़ों से पत्तियों तक जो पानी जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जाता है? मास फ्लो के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? मास फ्लो। तो अपने का जो भी यहां पर रिलेटेड भोजन के अपने को यहां पर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार बताया सभी ने, गुलाबगढ़ ने बताया, बहुत अच्छी बात है। अनिल ने भी अच्छा बताया इसमें। दूसरा है निम्न से कौन सा फल को पकाने में सहायक होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? सबसे पहला है कौन सा इसमें? एथेनॉल हो गया। दूसरा कौन सा? एसिटिक एसिड हो गया। तीसरा जिब्रेलिक एसिड हो गया। और चौथा कौन सा इसमें? इथिलीनों की बात करते हैं। ठीक है, इथाइलीन की बात करते हैं तो कौन सा उसमें होता है? हाँ बहुत इजी है सर इसमें, धर्मेंद्र ने बताया सर इसमें चार आएगा, इथाइलीन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। कौन सा आएगा इसमें? इथाइलीन की बात करते हैं। लेकिन याद रखना हमेशा जब भी पौधे में, याद रखना मैं बता रहा हूं आपको, जब भी पौधे में पानी की कमी होती है, पौधे में पानी की कमी होती है, याद रखना पौधे में पानी की कमी होती है तो वहां पर ABA एब्सिसिक एसिड और GA3 मतलब जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है। याद रखना ABA और जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए ABA और जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है, इससे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। कई बार पूछते हैं कि निम्न से कौन सा तनाव हार्मोन है, तो कौन सा बोलेंगे? ABA। ठीक है, ABA इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। और कौन से एमिनो एसिड का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना कौन सा होता है इसमें, बताओ। हाँ तो इसमें जो नॉर्मली बात करते हैं एमिनो एसिड, किसकी? एमिनो अम्ल व
किसका होता है उसमें शुगर का निर्माण होता है। किसका होता है? शुगर का निर्माण। जब भी पानी की कमी होती है ध्यान रखना एमिनो अम्ल व शुगर का निर्माण होता है, तो ये भी अपने को करना है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? इथालिन। जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको बताते जा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है? गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है? सबसे पहले बात करते हैं अधिक विटामिन ए के लिए, अधिक प्रोटीन के लिए, अधिक जिंक के लिए, अधिक आयरन के लिए। मतलब गोल्डन राइस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सुनहरा धान। क्या बोलते हैं? गोल्डन को क्या बोलते हैं? सुनहरा। हाँ चलो यहां पर रामा बता रहे इसमें डेफिनेटली सर इसमें एक आएगा, बहुत ही शानदार। संदीप यहां पर एक बता रहे हैं, कासनी यहां पर एक बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा विटामिन? ए की अधिक के लिए, मतलब गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, याद रखना। और इसमें बीटा कैरोटीन, जब बोलते हैं बीटा कैरोटीन, क्या होता है? बीटा कैरोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर वहां पर विटामिन ए आए तो करना है, लेकिन अगर वहां पर बीटा कैरोटीन आए तो भी सही है। तो कौन सा करना अपने को? बीटा कैरोटीन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? इंगो पोर्टिकस है, जो आपको पढ़ाया गया, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है? उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रभावी वह नुकसान दे हो गया, दूसरा अप्रभावी एन नुकसानदेह होता है, ठीक है। तीसरा है प्रभावी है उपयोगी हो गया, चौथा इसमें अप्रभावी और उपयोगी, ठीक है। डोमिनेंट एंड हार्मफुल हो गया, रेसेसिव एंड हार्मफुल हो गया, डोमिनेंट एंड यूजफुल हो गया, रेसेसिव एंड यूजफुल हो गया। तो इसमें उत्परिवर्तन की बात करते थे कौन सा होता है? हाँ यहाँ पर अनिल बोल रहे सर इसमें डेफिनेटली दूसरा आएगा, बहुत ही शानदार। मुकेश यहाँ पर दो बता रहे हैं, ठीक है। कौशिक यहाँ पर दो बता रहे हैं, तो कौन सा आएगा इसमें बताओ? कौन सा आएगा इसमें? रिसेसिव एंड हार्मफुल होगा, कौन सा? अप्रभावी एंड नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? दूसरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है? मैंने आपको पहले बताया, मैं सभी को जब भी आपको, अगर आपने ऑनलाइन जो भी क्लासेस लिए, मैराथन भी लिए, इन चीज़ों को सभी को आपको क्लियर करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो, ये चीज़ बहुत ईजी है। तो याद रखना ब्राउनिंग जो होता है वो फूल गोभी में किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा कौन सा? आयरन, तीसरा बोरोन और चौथा मोलिब्डेनम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट में। इसके यहाँ पर बोल रहे सर बी आएगा, पूजा यहाँ पर बहुत, इसमें आयरन आएगा, बहुत ही। अक्षय यहाँ पर सी बता रहे हैं, बोरोन, बहुत ही अच्छा। पूजा यहाँ पर दो बता रहे हैं, कौशिक यहाँ पर दो तीन बता रहे हैं, लक्ष्य यहाँ पर तीन बता रहे हैं, अनिल यहाँ पर बोरोन लिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पर, चलो बहुत अच्छी बात। कौन सा है इसमें? बोरोन की कमी के कारण। फूल गोभी में भूरापन किस कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है डियर, वहां पर भूरापन नहीं देखे, वहां पर ब्राउनिंग भी लिख सकते हैं, याद रखना। उसका लिख सकते हैं वहां पर ब्राउनिंग भी लिख देंगे, तो इस चीज को भी याद रखना, कई बार देखना ब्राउनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउनिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इन कॉलीफ्लावर। दूसरा है टिड्डी किस ऑर्डर का कीट होता है? टिड्डी किस ऑर्डर का कीट है? सबसे पहला है लेपिडोप्टेरा, ठीक है, दूसरा है ऑर्थोप्टेरा, तीसरा आइसोप्टेरा और चौथा कौन सा होता है? ब्लेप्टोप्टेरा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं टिड्डी किस ऑर्डर का कीट होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंसेक्ट से भी बात करते हैं। तो ऑर्डर की बात करते हैं, अपने को चार पांच ऑर्डर करने, ज्यादा इसमें नहीं करना। तो यहां पर हाँ वापस से बता रहे हैं, लक्ष्य यहां पर बता रहे सर इसमें डेफिनेटली ऑर्थोप्टेरा आएगा, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र यहां पर बी बता रहे हैं, विवेक यहाँ पर भी बता रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा? ऑर्थोपोडा। याद रखना टिड्डी का जो गण होता है, जो कीट होता है, सॉरी टिड्डी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? ऑर्थोप्टेरा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 22, एक ग्लूकोज के ऑक्सीसौषण के लिए साइट्रिक एसिड चक्र में के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं? दोबारा बोल रहा हूं आपको, एक ग्लूकोज के ऑक्सीसौषण के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन इसमें 30 है, दूसरा इसमें 24 है, तीसरा इसमें 12 है, चौथा एक से अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर है हाँ वापस से ब्रजेश यहां पर बोले सर इसमें दो आएगा, बहुत ही शानदार। ज्योति यहां पर बी बता रही है, बहुत ही शानदार इसमें, ठीक है। दिलीप यहां पर बोला, दिलखुश मीना यहां पर सी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। रमसा म्यूजिक दो बता रहे हैं, विवेक, तो यहां पर कौन सा आएगा? दो। ध्यान रखना कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी पूछते रहते हैं, तीन प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाती है तो
तो इसका आकार होता है, मतलब दो प्रकार के विलयन होते हैं। एक तो कौन सा होता है, हाइपरटोनिक। कौन सा होता है, हाइपरटोनिक की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक। कौन सा होता है, हाइपोटोनिक की बात करते हैं, हाइपर और हाइपो की बात करते हैं। तो याद रखना, हाइपर जो होता है उसमें जो भार का विलयन होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। जैसे मान लो नमक का घोल, बहुत ही भार क्या है, नमक का घोल है, और अंदर मान लो अगर पाल अपने पास क्या, अंगूर है। क्या है, अंगूर है। तो याद रखना, अगर भार का अगर मान लो विलियन अगर स्ट्रोंग होता है, अगर इसमें अंगूर रखा जाए तो अंगूर पिचक जाएगा, मतलब उसका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर कौन सा है अपने पास, हाइपोटोनिक आया, मतलब अगर मैं मान लो यहां पर किसको रखूं, अपने पास क्या है, यहां पर किशमिश की बात करते हैं। कौन सा है, किशमिश की बात करते हैं, और भार नॉर्मल पानी है। तो जब नॉर्मल पानी होगा तो डेफिनेटली किशमिश में पानी की ओर अंदर जाएगा। तो याद रखना, हाइपोटोनिक में रखेंगे हमेशा आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होगा उसमें, बढ़ता है। सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, फिजियोलॉजी का बहुत ईजी क्वेश्चन है। अनिल यहाँ पर भी बता रहे, बहुत शानदार अनिल, ठीक है। रामा भी बताया यहाँ पर, संदीप ने भी बताया, चलो ठीक है। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा। पेपर को आराम से मेंटेन करो। कईयों की तैयारी, बोल रहे थे बच्चे कि सर तैयारी अच्छी है लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। जेट का एग्जाम हो चुका है अपने पास, आईसीआर का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू का इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता है, और अपने को ऐसा भी नहीं है कि टेंशन लेना, अपने को आ ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से इजी पेपर आता है, थोड़ा सा पैशन रखना है और आराम से सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सिलेक्शन लाना है अपने को। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, सबसे पहला इसमें कैरोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा इसमें लैक्टोज, तीसरा कौन सा होगा इसमें, चौथा कौन सा होगा, केसिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो उसमें। सर इसमें पहले आएगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पबजी बोर्ड है साहब, इसमें एक आएगा, क्या बात है, पबजी ने आज आतंक मचा दिया। धर्मेंद्र यहाँ पर एक बता रहे हैं यहाँ पर, और विवेक कुमार ने यहाँ पर एक बता दिया। तो सिंपल सा, गाय में पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन, और भैंस के दूध में जो सफेदपन होता है वो किसके कारण होता है, कैसिन। किसके कारण होता है, कैसिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एसआरआई कल्टीवेशन किससे संबंधित है, मतलब एसआरआई कल्टीवेशन किससे संबंधित है, याद रखना। इसको कई बार हिंदी में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं बताऊंगा आपको। तो एसआरआई किससे संबंधित है, धान से, गेहूं से, मक्का से, और जौ से। अब इसमें कई बार हिंदी में अपन क्या, अगर मान लो ऐसा आपको लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपके, जो भी वो एसआरआई को डायरेक्टली ऐसे लिखवाते हैं, कोई भी अपने को ऐसा आपको नहीं पढ़ाते हैं कि एसआरआई। अगर आपको क्वेश्चन कोई भी अगर समझ में नहीं आता है हिंदी में, तो इसको एक बार कृपया करके, या थोड़ा सा कष्ट लगेगा उसको इंग्लिश में जरूर देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो एसआरआई किससे संबंधित है, धान से, गेहूं में, मक्का में, और जौ में। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। हाँ ठीक है, राइस से, कोई बात नहीं, राइस से। धर्मेंद्र गीता यहां पर पूछ रहे कौन सा आएगा इसमें, धान। अब देखना कौन सा आएगा, धान। लेकिन अगर मान लो एसआरआई को कई बार याद रखना, इसको श्री लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, श्री किससे संबंधित होता है, तो याद रखना वो हिंदी में टाइप हो जाता है, तो श्री की बात करते हैं। तो अगर मान लो ऐसा आता है तो अपने क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो प्लीज एक बार आप इंग्लिश में देखना, वो इंग्लिश में एकदम सही मिलेगा। इंग्लिश में क्या होगा, एसआरआई। तो इसको कई बार हिंदी में क्या लिख सकते हैं, श्री भी लिख देते हैं। लिखा जाना औचित्य नहीं है, लेकिन कई बार इसको लिख देते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, संकर धान का बीजर होता है, संकर धान का बीजर कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 15, दूसरा है 25 से 30, तीसरा है 35 से 40, चौथा कौन सा है, 45 से 50। संकर धान का किस्म, मतलब संकर धान की किस्में भी पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बीज दर की। बीज दर देखो आपको पूछा जाता है, देखो एक तो आपको डेफिनेटली सभी की याद करनी है, लेकिन गेहूं, मक्का, धान, ठीक है, ये अपने को जरूरी भी होने से, खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं, इनको तो अपने को जरूर, हालांकि सभी का पूछते हैं, लेकिन मोस्टली इनका बार बार रिपीट होती है। इसमें मक्का बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, मक्का और गेहूं बार बार रिपीट होता है, तो इन चीज़ों को भी रखना। हालांकि बारले का भी पूछ रखा अपने बुकों में, तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई स्पेशली वो ही पूछे, लेकिन जो मुख्य क्रॉप होती है उनकी बीज दर अपने को आनी चाहिए। फसलों की बात करते, फसलों में किस्मों की, अगर मान लो अपने को लिमिटेड फसल किस्में याद करनी है जो आपको पढ़ाया गया है, दूसरी बात उसमें कौन सा उसका कुल कौन सा है, कुल का भी डेफिनेटली होता है, कुल हो गया, वांशिक नाम हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया, और उसकी बीज दर, फल प्रकार और पुष्प प्रकार, और उसके परागण और गुणसूत्रों की संख्या, ये जरूर देख के जाना, इनसे अपने को आराम से हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा एक चार्ट बना के पढ़ लेना, उसमें आराम से हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं 12 से 15, बहुत ही शानदार, क्या बात है,
ए बता रहे इसमें अश्विनी ने ए बताया, यहाँ पर रामा ने भी यहाँ पर एक बताया, कौन सा इसमें 12 से 15, कितना गया इसमें 12 से 15, बहुत ही शानदार। चलो ठीक है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, बहुत ही शानदार। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश की अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं, निम्न से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें कौन सा, RUDP एंड RUMP, दूसरा है पानी व ऑक्सीजन, तीसरा अपने पास में है कौन सा, ATP और NADPH2, ठीक है NADPH, और चौथा इसमें ADP एंड PI। चलो ठीक है, हाँ सर इसमें तीन आएगा, दो भी बता रहे विवेक यहाँ पर बोले सर एक बता रहे हैं इसमें, ठीक है मैराथन क्लास हो चुकी है आपकी, राहुल यहाँ पर तीन है, सुरेंद्र यहाँ पर एक बता रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर तीन, तो कौन सा आएगा इसमें, ATP एंड NADPE, कौन सा हो गया ATP एंड NADPH, ठीक है। तो इसमें से ये नॉर्मली उपयोग में आते हैं स्वांगीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था, बता भी रखा है इन चीज़ों के बारे में, जब मैं आपको लिया क्लास ही ली थी उसमें अपने मैराथन क्लास है उनमें मैंने बार बार बताया इन चीज़ों को, देखो आपको वही रिपीट होती है, पौधे में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक समस्या हो जाती है, ठीक है पौधे में जिंक उपलब्धता किस पीएच पर अधिक समस्या हो जाती है, द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक टू प्लांट बिकम ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट पीएच, मतलब ऐसा कौन सा पीएच है जहां पर जिंक की अवेलेबिलिटी पे दिक्कत होती है, तो सबसे पहला है 5.5 से कम, दूसरा है 5.5 से 6, तीसरा है 6 से 7, और चौथा कौन सा हो गया 7 से अधिक। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व की, चार बता रहे बच्चे इसमें डेफिनेटली, हाँ सभी चार बता रहे हैं, मैं आपको सोच रहा हूँ चार है इसमें, लेकिन आपको बताता हूँ जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, याद रखना सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता की बात करते हैं तो याद रखना अम्लीय पीएच में, किसमें होते हैं अम्लीय पीएच, याद रखना अपने को पूछे कि सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता मुख्यतः किस पीएच पे होती है, ध्यान रखना अम्लीय पीएच पे होती है। और अपवाद की बात करते हैं तो याद रखना अपवाद कौन सा होता है, मोलिब्डेनम, पूछ सकते हैं मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी उपलब्धता पीएच बढ़ने के साथ बढ़ती है, याद रखना ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता पीएच बढ़ने पर बढ़ती, कौन सा होगा मोलिब्डेनम। और नॉर्मली जो भी अपने पास पोषक तत्व हैं जो भी हैं उनकी उपलब्धता 6.5 से 7.5 पीएच पर होती है, किस पे होती है 6.5 से 7.5, कृषि की दृष्टि के लिए भी सबसे उपयुक्त पीएच कौन सा होता है 6.5 से 7.5, ठीक है तो ये उपयुक्त पीएच होता है। अब दूसरी बात है पीएच पूछेंगे तो याद रखना पीएच की जैसे बात आती है पोषक तत्व की तो अपने को फास्फोरस का भी पूछ सकते हैं, फास्फोरस की उपलब्धि 6.5 से 7.5 पे सबसे बेस्ट होता है अगर रेंज में पूछता है, और अगर रेंज में नहीं पूछता है अलग अलग पूछता है तो कौन सा करेंगे अपने 6.5 करेंगे, मतलब ऑप्शन में 6.4 आएगा लेकिन आप कौन सा करोगे 6.5, ये अपना कौन सा हो गया पीएच से बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसमें, सरसों राई की बुआई सर्वोत्तम का समय क्या होता है, सरसों और राई के लिए बुआई का लिए सबसे उपयुक्त जो अगर बुआई का समय होता है कौन सा होता है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, तो सरसों के लिए सबसे उपयुक्त अगर बात करते हैं बुआई के लिए समय देखा जाए तो कौन सा होता है, ठीक है। हाँ धर्मेंद्र यहाँ पर एक बता रहे हैं सर इसमें अक्टूबर आएगा, बहुत ही अच्छा, मनोज चौधरी यहाँ पर एक बता रहे हैं, नवल चौधरी यहाँ पर डी बता रहे हैं, ठीक है, और श्रीनाथ यहाँ पर हाँ अरे पढ़ ले भाई पढ़ ले, वो सही बात है आपकी, और यहाँ पर हाँ धीरज यहाँ पर एक बता रहे हैं, रमसा यहाँ पर एक बता रहे हैं, सुनील यहाँ पर एक बता रहे हैं, बहुत ही शानदार। चलो तो कब करते हैं इसको, अक्टूबर में करते हैं, आपको मालूम है कि जो भी रबी वाली फसल होती है उसका लगभग अक्टूबर नवंबर में अपन क्या करते हैं उसकी बुआई करते हैं, लेकिन खरीफ वाली जो फसल होती है उसकी बुआई अपन करते हैं जून जुलाई में, कब करते हैं उसकी जून जुलाई में करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो अपन बात करते हैं सरसों और राय की बात करते हैं, जो अगर मान लो अपने खरीफ के सीजन में जो बारिश आती है लेट माउट आती है तो माउट में जो नमी बचती है उस नमी के अपन वहां पर क्या कर सकते हैं धान, मतलब एक तो कौन सा कर सकते हैं उसमें चना, दूसरा सरसों का अपन बुआई कर सकते हैं जो नमी बची हुई होती है, ठीक है। तो अक्टूबर का माह सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं इसमें सरसों राई वैसे भी रबी, एक तो अक्टूबर नवंबर में करेंगे तो बात कौन सा है इसमें अक्टूबर में मोस्टली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है, चिकनी मिट्टी का कणों का व्यास होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सा हो गया
0.02 mm से कम, 0.02 mm से 0.05 mm, 0.05 से 0.2 mm और 2 mm से बड़ा, तो ये चीजें होती है। बताओ इसमें चिकनी मर्दा, अब कई बार क्या होता है हिंदी में समझ में नहीं आता चिकनी मर्दा, तो याद रखना अपने को पढ़ना है क्ले मर्दा। तो अपने तीन प्रकार की होती है, एक तो कौन सा होती है बालू मर्दा जिसको रेतीली मर्दा भी कहा जाता है, एक कौन सी होती है सिल्ट होती है, और दूसरी कौन सी होती है क्ले होती है। इसमें भी क्या गलती करते हैं, कम और अधिक में करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं आया, फिर भी आप गलती करते हो, देखते हैं। यहाँ पर सुनील बोल रहे सर इसमें एक आएगा, पुनीत यहाँ पर एक बता रहे हैं, मनोज यहाँ पर एक बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा, नी यहाँ पर सी बता रहे हैं, विवेक यहाँ पर एक बता रहे हैं, विवेक अच्छा बहुत ही अच्छा, अंजलि यहाँ पर एक बता रही है इसमें, और हरीश यहाँ पर एक बता रहे हैं। तो कौन सा आएगा 0.002 mm से कम, याद रखना बालू की बात करते हैं सिल्ट और क्ले इन दोनों का इंपॉर्टेंट है, तो 0.002 mm की बात करते हैं, ये अपने को मालूम होता है, लेकिन ध्यान रखना ये ना ध्यान रखना इसको से कम होता है, अधिक नहीं होता से कम होता है। और सिल्ट की बात करते हैं तो 0.2 से 0.02 mm होता है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो कितना होता है 0.02, इसमें कई प्रकार का होता है, तो 0.02 से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है बालू क्या होती है मोटी होती है, और क्या होता है एक महीन होती है, दो प्रकार की होती है, लेकिन रेंज आराम से कर सकते हो। तो क्ले और सिल्ट का मैक्सिमम पूछते हैं, क्ले और सिल्ट का दोनों का आकार पूछते हैं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर में येल्लो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैला जाता है, ठीक है, टमाटर में येल्लो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है, तो उसमें सबसे पहले माहो मतलब एफिड, दूसरा है सफेद मक्खी, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा कौन सा है दीमक, मतलब टमाटर में जो लीफ जो कौन सा होता है येल्लो लीफ जो कर्ल वायरस होता है किसके द्वारा वो ट्रांसमिट किया जाता है, तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा अपने पास में माहो हो गया जिसको महुआ बोलते हैं, दूसरा सफेद मक्खी, तीसरा मधुमक्खी, और चौथा कौन सा हो गया इसमें दीमक की बात करते हैं। अनीता कुमारी मौर्य यहाँ पर दो बता रही, बहुत अच्छा, दीक्षा यहाँ पर दो बता रही है, सचिन मीणा यहाँ पर दो बता रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कौन सा है इसमें सफेद मक्खी, कौन सा है इसमें सफेद मक्खी, जाना गया येल्लो लीफ कर्ल वायरस होता है वो टमाटर में किसके द्वारा फैलाया जाता है, सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। अब सुनना, जो भी जो वायरस होते जो इसके जो अपने पास में जो भी ये फैलाने वाले जो वैक्टर होते हैं, ये वेक्टर को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना अपने को पौधे में जब भी हो जाए ऐसी अगर वायरस वाली बीमारी होती है तो सबसे पहले जिस पौधे में होता है उसको उखाड़ करके दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए। दूसरी बात, अपने को वेक्टर को खत्म करना चाहिए, तो वेक्टर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन जिस प्लांट में इन्फेक्शन होता है उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसके बाद में अपने को प्लांट में कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं देना अपने को, न कोई उसमें ऐसे प्रकार का देना है, सबसे पहले अपने को वेक्टर को खत्म करना चाहिए। तो वेक्टर को खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट है, बीटल किस ऑर्डर का कीट होता है, बीटल किस ऑर्डर का कीट होता है, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कोलियोप्टेरा, दूसरा इसमें लेप्टोप्टेरा, तीसरा इसमें हेमियोप्टेरा हो गया, और चौथा कौन सा थाइनोसोप्टेरा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, कोलियोप्टेरा लेप्टोप्टेरा की बात करते हैं, हेमियोप्टेरा की बात करते हैं, या थाइसेनोप्टेरा की बात करते हैं, ठीक है। थाइसेनोप्टेरा की बात करते हैं, इसमें चार ऑप्शन है, तो अपने को ऐसा ऑप्शन नहीं देखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर नया नया ऑप्शन दिख रहा है तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को जब क्वेश्चन आ रहा हो उसी समय से करना चाहिए, क्वेश्चन नया और पुराना कोई नहीं होता है, ऑप्शन नया और पुराना कुछ भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। 31 जितेंद्र ने बोला 31 में दो आएगा, बहुत ही शानदार, क्या बात है, हाँ चलो इसमें कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा इसमें लेपिडोप्टेरा, कौन सा आएगा इसमें, हाँ सॉरी इसमें कौन सा आएगा कोलियोप्टेरा, कौन सा आएगा इसमें कोलियोप्टेरा आएगा, ठीक है। तो बीटल का कौन सा होता है कोलियोप्टेरा होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, आपको दोबारा बोल रहा हूं, इसमें टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, हालांकि इसको इंग्लिश में देखना, एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर, मतलब कोशिका में जो टर्जिडिटी होता है वो मेंटेन कौन सा पोषक तत्व करता है। मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया कि इसमें ऑप्शन है कौन सा, एक तो पहला सोडियम है, दूसरा इसमें कौन सा एजी मतलब पारा हो गया, तीसरा कैल्शियम, और चौथा कौन सा होगा इसमें पोटेशियम, मतलब टर्गर को कौन सा मेंटेन करता है। तो इसमें हाँ बहुत ही अच्छी बात, चलो बताओ मेरे को इसमें, धर्मेंद्र बोले सर इसमें ए आएगा, विवेक यहां पर के बता रहे पोटेशियम, बहुत अच्छा, तुलसीराम प्रजापतिया ठीक है, एमबीबीटी के बारे में बताइए, एमबीबीटी के बारे में बहुत अच्छा है,
ठीक है। सुनील यहां पर ए बता रहे हैं, राम यहां पर सी बता रहे हैं, बी ठीक है, अनुपम यहां पर बी बता रहे हैं, ए बता रहे मोस्टली, लेकिन चार भी इसमें देखो तो याद रखना, टर्गर को मेंटेन कर ले कौन सा होता है, पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम क्या होता है, और ये पानी के नियंत्रण को कंट्रोल करता है, मतलब ये कौन सा होता है, इसको वो क्या बोलते हैं बताओ इसको, कि ये है पौधों में, यह है पौधों में रंध्रों को खोलने, रंध्रों को खोलने व बंद करने में सहायक होता है। तो जब रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक होता है तो सिंपल सी बात है कि रंध्रों के द्वारा पानी का नुकसान होता है, और जब पानी का नुकसान रंध्रों के द्वारा होता है तो जो भी कोशिका है उसको पानी को बाहर और ले जाना और लाने में कौन सा नियंत्रण करता है, पोटेशियम करता है, क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा ही पानी का नियंत्रण होता है, तो कौन सा आएगा इसमें, पोटेशियम आएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ठीक है, दूसरा इसमें लखनऊ है, तीसरा इसमें क्या उसको अहमदाबाद हो गया, और चौथा कौन सा हो गया, नागपुर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर रीना ने डी बताया नागपुर, बहुत ही शानदार, चलो, और दिल घुस ने यहाँ पर डी बताया, सचिन ने यहाँ पर BHU की कट ऑफ बताना सर, और भाई कट ऑफ एक बार एग्जाम हो दोबारा बताना आपको, कट ऑफ की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम का कट ऑफ आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो, हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ हमेशा कट ऑफ होता है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड होता है, कि पेपर का लेवल क्या था उस पे डिपेंड करता है, याद रखना इस चीज़ को, कभी भी अगर पिछली वाले कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करते हो थोड़ा बहुत आपको एक मिल जाता है आइडिया, लेकिन पेपर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोले सर इसमें नागपुर, बहुत शानदार है इसमें, तो एगमार्क कहाँ पे है, नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है, ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन इसमें फूल से, दूसरा है फलों से, तीसरा है सब्जी से, और चौथा है दाल से। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है, फूल से, फल से, सब्जी से और दाल से। तो ओलेरिकल्चर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें डी आएगा, हाँ वो नागपुर आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ। तो यहाँ पर ओलेरिकल्चर बताओ कौन सा आएगा, तो यहाँ पर बता रहे सी, बहुत ही सी आएगा इसमें, नॉन ओनली सी बताया यहाँ पर, सब्जी का होता है। अब बात कर फूलों में तो कौन सा आएगा, फ्लोरिकल्चर, कौन सा आएगा, फ्लोरिकल्चर होता है, वो किससे संबंधित होता है, अपनी बात करते हैं फूलों से। जो फल होता है उसको होता है पोमोलॉजी, कौन सा होता है, पोमोलॉजी होता है, वो फलों से संबंधित होता है, और याद रखना सब्जियों से संबंधित कौन सा होता है, ओलेरिकल्चर। तो ये भी अपने को नॉर्मली पूछते हैं, अगर आपने पेपर का लेवल दिया एकदम सिंपल है, बस आप क्या है एग्जाम हॉल में बैठते हो, एग्जाम देने जाते हो, थोड़ा सा आपको क्या प्रेशर रहता है, तो मैं आपको चाहता हूं कि ये प्रेशर आपके दूर हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर जितने भी हैं उनको सोल्व करना, और देखना आपका लेवल क्या है, उसी लेवल का आएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता इनमें, ठीक है। और हार्ड भी आ जाता है तो आपके लिए हार्ड नहीं होता है, वो सभी के लिए हार्ड होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादन, संकलन एवं संवहन का कार्य करती है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादन, संकलन एवं संवहन का कार्य करती है, सबसे पहला ऑप्शन में गोल्जी का है, दूसरा है इसमें कौन सा गया, रिक्तिका, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस भी कहा जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 36 की बात करते हैं, ठीक है। विशाल यहां पर सी बता रहे हैं, सी, चलो ठीक है, हाँ। और यहां पर विकास, बहुत अच्छी बात है, विशाल ने भी यहां पर डी बताया, और यहां पर अनंत कुमार मौर्या ने भी यहां पर तीन बताया, और बहुत ही तीन चार बता रहे मोस्टली, तो देखो तीन तो आएगा नहीं इसमें आराम से, चार, हाँ ठीक है भाई, चार आएगा इसमें, बहुत ही शानदार। तो इसमें गोल्जी काय और इन दोनों की बात होती, तो ध्यान रखना इन दोनों में कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम के द्वारा प्रोटीन उत्पादन संकलन एवं संवहन का कार्य करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम ER की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मवेशी में एंथ्रेक्नोस, किसी बात है, मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, सबसे पहले विषाणु द्वारा, दूसरा है जीवाणु द्वारा, तीसरा है फफूंद द्वारा, चौथा है उत्परिवर्तन द्वारा। मतलब एंथ्रेक्स जो रोग होता है अपने पास, जो कैटल्स में एंथ्रेक्स जो नोज होता है, ठीक है, एंथ्रेक्स, ठीक है, तो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है किसके द्वारा होता है, सबसे पहला इसमें विषाणु मतलब वायरस के द्वारा, दूसरा इसमें जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा, तीसरा इसमें फंगस मतलब फफूंद द्वारा, चौथा कौन सा इसमें, म्यूटेशन के द्वारा मतलब उत्परिवर्तन द्वारा, ठीक है। हाँ, बाजरे में लवणीय सर क्या क्या होता है, बाजरे सर, बाजरे की लावणी,
अरे भाई साहब इसको कर दो, इसको परमानेंट, इसको लावणी करवाएं घर पे जाके, इसको जरूरत है लावणी की, तो इसको भाई साहब इसको लावणी करवाना है। अरे जिंदगी में वैसे लावणी कर रहा है भाई, वो तो घर वाले भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ ले आगे बढ़ जा, नहीं तो लावणी तो क्या, लावणी भी नहीं मिलेगी तेरे को, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? तो पढ़ाई करो इसमें, जो भी कमेंट है वो रिलेटिव कीजिए इसमें, ताकि मैं देख सकूँ, ठीक है? कई सारे अपवाद होते हैं जिंदगी में, अगर अपवाद नहीं होते, याद रखना लाइफ में अगर अपने अपवाद नहीं हो तो मजा ही नहीं आए, इसलिए अपवाद का रहना भी जरूरी होता है। इन भीड़ में चार पांच होना जरूरी होता है ऐसे अपवाद, ताकि देख के अच्छा लगता है मेरे को भी कि जिंदगी में कोई ना कोई तो खड्डे में जा रहा है, ताकि ये जो बच्चे बेचारे पढ़ने वाले खुश होते हैं कि चलो अपन आराम से ऊपर है, तैर रहे हैं अपन, ठीक है? हाँ, मवेशी में एंथ्रेक्नोज की बात करते हैं तो उसमें कौन सा आएगा, सभी बच्चों का सही है, इसमें कौन सा आएगा, बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है? अच्छी तैयारी सभी का, मैं देख रहा हूँ कमेंट सभी की अच्छी, कमर बहुत ही शानदार तरीका है, इसमें शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा, हाँ, हंस रहे हो मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, वो करते रहेंगे, वही बात होती है जब हम अच्छा करते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपवाद जो पीछे जाएंगे, वो जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, आज चलो नाम ले लेते हैं, तो ये चीज़ें होती है। अब आपको सुपरवाइजर बनना है, डेफिनेटली आप BHU से BSc करोगे, या आपने जेट ICAR के द्वारा कर ली है या करोगे, तो डेफिनेटली आपने को क्या है, किसानों से जुड़ना है, लावणी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, अपन भी कर सकते हैं, वो करेंगे इसमें कोई बात नहीं, हम किसान फैमिली से करना भी चाहिए, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि अपना कुछ अच्छा करे, अच्छी टेक्निक से लावणी करे, कि नहीं वो ही अभी कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए तो पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा हल डिस्क एंगल होता है, निम्नलिखित में कौन सा हल का डिस्क एंगल होता है, याद रखना, एक तो होता है डिस्क एंगल, कौन सा होता है डिस्क एंगल, एक होता है टिल्ट एंगल, कौन सा होता है टिल्ट एंगल, याद रखना दो ही एंगल होते हैं, एक तो कौन सा होता है डिस्क एंगल, दूसरा कौन सा होता है टिल्ट एंगल। तो यहां पर डिस्क एंगल पूछा है, सबसे ऑप्शन पहला है 15 से 25, दूसरा कौन सा है 30 से 40, तीसरा इसमें 42 से 45, और चौथा है 48 से 52, ठीक है? तो यहां पर डिस्क एंगल की बात करते हैं। हाँ, यहां पर अंजलि ने तीन बताया, क्रेजी फॉर यू यहां पर बताया दो, क्या बात है, तीन बताया इन्होंने, बहुत ही, अनिल मीना ने भी तीन बताया, पुष्पेंद्र कुमार ने भी यहां पर दो बताया, शिवानी ने यहां पर 42 46, तो यहां पर 46 नहीं 44, याद रखना इस, ये तो किसका होता है डिस्क एंगल होता है, कितना होता है डिस्क एंगल होता है, और जो टिल्ट एंगल होता है याद रखना वो कितना होता है 15 से 25 होता है, कितना होता है 15 से 25, याद रखना। अगर मान लो ऑप्शन में 42 से 45 आए तो कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पर 40 से 45 आए तो भी आराम से आप कर सकते हो, 40 से 45, ऑप्शन पे डिपेंड होता है, दोनों का भी नियरली साथ में नहीं आएंगे, तो कौन सा आएगा इसमें, थर्ड आएगा। अगर इस बार ये पूछ ले तो हो सकता है अपने पूछ सकता है कि टिल्ट एंगल कितना होता है, ध्यान रखना टिल्ट एंगल कितना होता है 15 से 25, मतलब टिल्ट को ऐसे याद रखो, टिल्ट मतलब 25, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीन क्वेश्चन बताऊंगा रिलेटेड इसके, आगे भी नेक्स्ट पेपर सोल्व कराएंगे उसमें आराम से आप कर सकते हो, ठीक है? यूरिया का लगातार उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्लीय प्रभाव पड़ता है, या क्षारीय प्रभाव पड़ता है, या न्यूट्रल होता है, या तीनों में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर धर्मेंद्र बोलो सर इसमें तीन आएगा न्यूट्रल, क्या बात है, गोविंद यहां पर दो बता रहे हैं, ठीक है, मिश्र यहां पर एक बता रहे हैं, हेमंत यहां पर एक बता रहे, बहुत ही अच्छा, सचिन यहां पर एक बता रहे हैं, दीपक ज्योति यहां पर एक बता रहे हैं, चलो ठीक है, याद रखना इसके तीन रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो भी मतलब जिसका जिस उर्वरक में अम्ल तुल्यांक पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है अम्ल तुल्यांक पाया जाता है, वो याद रखना उसका प्राकृतिक कैसी होती है, अम्लीय होती है, कौन सी होती है अम्लीय होती है, जिस उर्वरक का अम्लीय तुल्यांक होता है उसकी प्रकृति कैसी होगी अम्लीय होगी, याद रखना, ठीक है? जिसका क्षार तुल्यांक होता उसकी प्रकृति कौन सी होगी क्षारीय होगी, ठीक है? जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता हमेशा ज्यादा होगी, जैसे मान लो यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया की जो अम्लीयता की बात करते हैं, अम्ल तुल्यांक की बात करते हैं यूरिया का, वो कितना होता है 80 से 84, ठीक है, कितना होता है 80 से 84। एक होता है अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट क्वेश्चन देखो आप किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका होता है 110। अगर अपने को क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कौन से उर्वरक का मतलब कौन से उर्वरक में अधिक अम्लीय होता है, या कौन सा उर्वरक अधिक अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, दोनों की बात करते हैं, तो ध्यान रखना अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी होगी अमोनियम सल्फेट, मैंने बोला जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा होता है उसकी अम्लीयता भी ज्यादा होती है और वो मृदा में भी अम्लीयता पैदा करेगा, ठीक है? तो यहां पर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ यूरिया का अम्ल तुल्यांक कितना होता है, 80 से 84 हो गया, और अगर मान लो जैसे यूरिया है उसकी प्रकृति कौन सा है
अम्ली है तो उसका लगातार उपयोग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा मर्दा, यहां पर कौन सा जाएगा अम्ली। बहुत ही शानदार, चलो ठीक है। तो तीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको करके भी जाना, दोबारा बोल रहा हूं, अम्ल तुल्यांक और क्षार तुल्यांक जरूर पढ़ के जाना। दूसरी बात, किस उर्वरक का कितना अम्ल तुल्यांक होता है, मान लो एनहाइड्रस अमोनिया का 148 होता है, ठीक है, 138 किसका होता है, या 110 किसका होता है, ठीक है, 128 किसका होता है, ठीक है, 84 किसका होता है, 77 किसका होता है, जैसे डीएपी की बात करते हैं, ये सभी चीज होता है। क्षार तुल्यांक की बात करते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, जैसे मान लो आपको पढ़ाया गया उसमें 63, 29, 25, 21, ये आपको देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दी में पीलापन या पीले रंग के लिए उपस्थित का कारण होता है, मतलब हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण होता है, मतलब हल्दी में जो पीलापन होता है वो कौन से किसके कारण होता है, तो सबसे पहला उसमें होता है बोरोन, कौन सा होता है बोरोन, दूसरा उसमें क्रिक्यूमिन होगी बात करते हैं, तीसरा इसमें आयरन हो गया, चौथा उसमें कौन सा होगा कोमोप्लास्टिड हो गया, कौन सा हो गया कोमोप्लास्टिड की बात करते हैं, क्रिक्यूमिन की बात करते हैं, बोरोन की बात करते हैं, आयरन। अब देखो इसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी, कई बार क्या होता है अपने को मालूम है कि पीलेपन की, तो जैसे पीलेपन की बात आती है याद रखना, एक तो कौन सा होता है चाय में पीलापन, इसी बात करते हैं, चाय में पीलापन की बात करते हो, पत्तियों की बात करते हो, सल्फर की कमी कारण, क्या होता है सल्फर की कमी कारण, और रिजके में पीलापन, ये पीलापन का मतलब नहीं उसका पीला रंग होता है, ये होता है बोरोन की कमी से, ये पीलापन होता है उसकी पत्तियों में, किसके में होता है उसमें पत्तियों में। लेकिन बात करते हैं किसकी बात करें अपन, हल्दी की बात करते हैं, हल्दी में पीलापन, तो मतलब हल्दी में पत्तियों का पीलापन नहीं है, हल्दी का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है, बी बता रहे हैं, बहुत ही शानदार इसमें, हाँ श्याम यहाँ पर बी बता रहे हैं, करण यहाँ पर बी बता रहे, बहुत ही शानदार, कमलेश यहाँ पर बी बता रहे हैं, तो कौन सा है इसमें क्रिक्यूमिन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो इंटरक्रॉपिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गया, इन चीजों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है दो फसली मौसमों के बीच में समय अवधि की बात करते हैं, मतलब दो फसलों के बीच में जो समय अवधि उसको बोला जाता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है मिश्रण दो या दो से अधिक फसलों के उपज की बात करते हैं। तीसरा है दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज हो गया। चौथा ऑप्शन है एक पूर्ववर्ती उत्तराधिकार में जमीन के एक टुकड़े पर अलग अलग फसलों के रूप में उपज। इंग्लिश में देख लो अगर इसको, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉप सीजन, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इट इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन रैंडम मिक्सर, ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात इट इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन डेफिनेट रो पैटर्न, बहुत ही शानदार, तो कौन सा है इसमें थर्ड की बात करते हैं। इट इज ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड इन ए प्रिपेयर्ड लैंड इन सक्सेशन, तो यहां पर कौन सा आएगा थर्ड है, तो आपने पहले बता इस चीज को मैंने बुलाया कि किसी भी अगर मान लो परिभाषा को रटना नहीं है, अपने को समझना है, मैंने आपको सिंपल सी एक परिभाषा बता रहा हूं। मिक्स क्रॉपिंग की क्या होती है, मतलब उसमें क्या है कि देखो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर फसलों को एक क्या करना निश्चित कतार में लगाना, क्या कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, सुनना इसमें कैसे करेंगे अपन इंटरक्रॉपिंग में, जैसे बाजरा प्लस मूंग को लगाते हैं, जैसे मान लो सपोज हम लगाया 4:1, एक एग्जांपल दे रहा हूं अपने को, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बाजरा की कितनी लाइन लगाई अपन, 4 लाइन लगाई, उसके बाद में एक किसकी लगाई उसमें मूंग, फिर 4 लाइन किसकी लगाई अपन उसमें बाजरा, एक लाइन किसकी लगाई मूंग, तो इसमें क्या हो गया कि दो या दो से अधिक, मतलब दो को भी लगा सकते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार की दूरी में लगाना क्या कहलाता है इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलम और अल्फांसो के क्रॉस में विकसित हाइब्रिड आम कौन सा है, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड आम कौन सा है, पहला इसमें अम्रपाली है, दूसरा इसमें दशहरी है, तीसरा है कौन सा इसमें रत्ना है, कौन सा इसमें रत्ना है, चौथा इसमें कौन सा है बादामी, मतलब अपने को अम्रपाली रत्ना या दशहरी या बादामी किसका हाइब्रिड है, किस किस से बनाया जाता है, तो वो देखना अपने को। 39 में सर 3 आएगा, बहुत ही शानदार इसमें 39, अपन 42 की बात करें डियर, इसमें राजन कुमार यहां पर 3 बता रहे हैं कि सर इसमें रत्न आएगा, बहुत ही शानदार। धर्मेंद्र यहां पर 3 बता रहे हैं, राजू कुमार यहां पर 3 बता रहे हैं, अनुपम यहां पर 3 बता रहे हैं, कोई यहां पर अमल पारी बता रहे, 1 बता रहे हैं, तो इसमें वो तो सिंपल है।
अपन बात करते आरएनए, किसी बात करते हैं आरएनए, मतलब रत्ना होता है वो किससे मिलकर बनी होती है, लीनम प्लस अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से, मतलब रत्ना होता है वो नीलम एंड अल्फांसो से क्रॉस से मिलकर इसको बनाया गया है। तो कौन सा होगा इसमें रत्ना, आर कौन सा होगा इसमें रत्ना, तो कर सकते हैं आर एन ए, इसकी बात करते हैं आर एन ए की बात करते हैं, ठीक है सी, बहुत ही शानदार। एक होता है आर एन ए, कौन सा होता है डीएनए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने पहले बताया धान का खैरा रोग, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट हुए क्वेश्चनों को अपने कैसे मालूम कर सकते हैं, वो अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मक्का में सफेद कली का किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है, मक्का में सफेद कली का किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, तो मक्का में व्हाइट बर्ड की बात करते हैं। देखो दो चीजें होती है, एक तो कौन सा होगा इसमें व्हाइट बर्ड, कौन सा होगा इसमें व्हाइट बर्ड, और एक होता है व्हाइट टिप डिजीज, किसकी बात करते हैं व्हाइट टिप, याद रखना इन दोनों को बता रहा हूं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, लेकिन यहां पर ये पूछते हैं। तो अगर बात करते हैं व्हाइट टिप की बात करते हैं, जब भी बात करें इसमें व्हाइट टिप की बात करते हैं, तो ध्यान रखना व्हाइट बर्ड आपको मालूम, सभी आंसर इसमें जिंक दे रहे हैं, बहुत ही शानदार है, इसमें जिंक आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ध्यान रखना इंग्लिश में जरूर देखना, व्हाइट बर्ड की बात करते हो हमेशा जिंक की कमी से होता है, लेकिन व्हाइट टिप होता है वो याद रखना कॉपर की कमी के कारण, किसके होता है व्हाइट टिप इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर के कारण होता है, लेकिन व्हाइट बर्ड होता है वो हमेशा जिंक की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है जिंक की कमी के कारण होता है, व्हाइट टिप होता है वो होता है कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। यहां पर बहुत और अपने को मालूम है कि धान में खैरा रोग भी किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है, ये तो हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्ण आदेन के लिए, अब देखो इसमें हिंदी में थोड़ा ऐसा लिख रखा है, आपके पेपर में वैसे आया था, इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी अगर ऐसा कोई वर्ड आए तो अपने को उसको इंग्लिश में देखना है, इसको बोलते हैं फोलियर एप्लीकेशन, मतलब पर्णी छिड़काव, क्या बोलते हैं इसको पर्णीय छिड़काव की बात करते हैं। अब सुनना, पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है, पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है, सबसे पहले पोटेशियम की बात करें, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा यूरिया, चौथा अमोनियम, मतलब पर्णीय छिड़काव के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यहां पर बोल रहे हैं सर इसमें अर्पित यहां पर जिंक बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 44 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अनिल यहाँ पर तीन बता रहे सर इसमें यूरिया आएगा, बहुत अच्छी बात है। कोचिंग यहाँ पर तीन बता रहे, पबजी वो यहाँ पर तीन बता रहे, और हाँ बहुत ही अच्छा दीपक यहाँ पर तीन बता रहे हैं, ठीक है। मीनू मीना यहाँ पर यूरिया बता रहे हैं, तो देखो एक चीज देखो अपने हो सकता है इसमें यूरिया है, लेकिन और इसके रिलेटेड क्या होता है सुनना, हमेशा पर्णीय छिड़काव की बात करते हैं, तो पर्णीय छिड़काव के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं, पर्णीय छिड़काव के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, और उसमें से इसमें कौन सा करते हैं यूरिया, और अगर इसमें भी नाइट्रेट में की बात करते हैं कौन सा करते हैं नाइट्रेट, अगर अमोनियम और नाइट्रेट की बात करें तो याद रखना नाइट्रेट युक्त उर्वरक का उपयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर ऑल और उर्वरक की बात करते हैं तो कौन सा करेंगे यूरिया की बात करें, किसकी बात करें यूरिया, तो अपने इसमें यूरिया कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आप कर सकते हो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, उर्वरक की बात आई तो कौन सा करना उर्वरक करना अपने को यूरिया करना है, लेकिन अगर नाइट्रेट और अमोनियम की बात करें एमाइड वाले की बात करें तो अगर इसमें सभी की बात करें तो एमाइड में तो यूरिया होता है लेकिन कैल्शियम साइनामाइड का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए एमाइड वाला नहीं बोल सकते, लेकिन नाइट्रेट का भी अपन मुख्यतः पर्णीय छिड़काव के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है निम्न में से कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, निम्न में से कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब क्या होगा इसमें कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो सबसे पहले कसकुटा तना परजीवी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं वीड में क्वेश्चन फिक्स होता है CLOS का, कौन सा होता है CLOS, मतलब कसकुटा लोरेंथस ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, याद रखना इन चीजों को, ये होता है कसकुटा में लोरेंथस ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, ये जो दोनों होते हैं वो जड़ परजीवी होते हैं और ये कौन से होते हैं तना परजीवी होते हैं, क्योंकि नीचे जड़ होती है ऊपर क्या होते हैं तना होता है, मैंने अच्छे समझा रखा पिछली वाली क्लासों में, तो यहां पर ये तो सही बात है कि ये तो सही है, चंदन जड़ परजीवी है गलत बात है, ठीक, मतलब क्या होगा इसमें अपने क्या करना है मेल नहीं खाता है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ऑर्किड होता है वो एपीफाइटस होता है, सही बात है,
और जो होता है नेपेन्थिनसो की बात करते हैं वो हाइड्रोफाइडस होते हैं, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, दूसरा चंदन वह क्या होता है, जड़ परजीवी नहीं होता। हरदेव यादव यहाँ पर दो होता है, बहुत ही अच्छा। विवेक यहाँ पर विकास ने भी दो बताया, बहुत ही शानदार है, ठीक है। हाँ दीक्षु मीना ने भी बताया, बहुत ही अच्छा दीक्षु। और यहाँ पर हाँ वो हाँ काफ़ी बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एकदम। आप देखो इसमें खुद का एवोल्यूशन कीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने की व्यवसाय को जाना जाता है। मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है सिल्वी कल्चर, ठीक है। दूसरा है परमा कल्चर। तीसरा है रेंचिंग की बात कर। चौथा कौन सा होता है, प्रजनन। किसकी बात करते हैं, प्रजनन, ठीक है। हाँ खुशी यादव यहाँ पर दो बता रही है, संदीप यहाँ पर सी बता रहे हैं, विवेक कुमार यहाँ पर रेंचिंग कहलाता है, बहुत ही शानदार विवेक। और धीरज यहाँ पर तीन बता रहे हैं, आंसू मीना यहाँ पर तीन बता रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें, रेंचिंग कहलाता है। कौन सा कहलाता है इसमें, रेंचिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है। व्हाइट रस्ट मतलब व्हाइट सफेद रोली, इसके बोलते हैं इसको सफेद रोली बोलते हैं, ठीक है। सफेद रोली की बात करते हैं तो व्हाइट रस्ट, इसलिए हमेशा जो भी इंग्लिश में टर्म होते हैं, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे, जैसे मान लो ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करते हैं, सुपरवाइजर पूछा गया था, एक तो ब्राउन मैन्यूरिंग, कौन सा होता है, ब्राउन मैन्यूरिंग, ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग की बात करते हैं। तो इसको हिंदी में कई बार क्या होता है, भूरी खाद, क्या बोलते हैं इसको, भूरी खाद कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है वहां पर हिंदी में ये नहीं देख के इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर देते, किसको बोलते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग, क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन मैन्यूरिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपलैंड राइस में या लोलैंड राइस में अपने को पूछ लेते हैं, तो अपने को ये भी हिंदी में लिखना हुआ जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो टर्म होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, उनको भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो व्हाइट रस्ट किसके लिए होता है, सबसे पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है सरसों, तीसरा इसमें चावल चमला, और चौथा कौन सा इसमें, बाजरा, कौन सा है, बाजरा। तो व्हाइट रस्ट, हाँ देखो मस्टर्ड सभी बोल रहे हैं, मस्टर्ड इसमें बहुत ही शानदार इसमें, तो कौन सा है इसमें, मस्टर्ड। याद रखना एल्ब्यूगो कैंडिडा, कौन सा इसका कोजल ओरिजिन, कौन सा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है, और ये फफूंद द्वारा होता है व्हाइट रस्ट, ठीक है। बाजरे में जो रोग है, देखो बता रहा हूँ रोग किसमें, याद करना अपने को बाजरे के, याद रखना बाजरे के करना अपने को, एक अपने को धान का करना है, एक अपने को ज्वार का करना है, एक अपने को किसका करना, अपने को गेहूं का, किसकी बात करते हैं, गेहूं का। ये अपने को मालूम चाहिए, बाजरे का हरित वाली रोग हो गया, ठीक है, और ज्वार का जो रस्ट होता है उसकी बात करते हैं, जिसको एक अपने कंडवा रोग का मालूम होना चाहिए, ठीक है, और एक रेड रस्ट की बात करते हैं वो भी अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है, और एक रेड रोट होता है शुगर केन की बात करते हैं, तीनों की तीनों रस्ट होते हैं वो अपने को पढ़ना है वीट के अंतर्गत। अगर मौका मिला तो मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अभी बच्चों को डिमांड है कि सर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए पेपर जल्दी से। तो व्हाइट रस्ट किस में होता है, सरसों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वांस्तिक रूप से अनानास क्या है, वांस्तिक रूप से अनानास क्या है। सबसे ऑप्शन पहला इसमें पोम, दूसरा इसमें ब्लास्ट, कौन सा हो गया, बालस्ट हो गया, तीसरा इसमें बेरी हो गया, ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया, सोरोसिस हो गया, कौन सा हो गया, सोरोसिस की बात करते हैं। तो वांस्तिक रूप से अनानास क्या है, पोम है या बालस्ट है या बेरी है या सोरोसिस है, ठीक है। हाँ यहां अभिषेक बोले सर इसमें चार आएगा, वेट फॉर रेड, रेड रोट की बात करते हैं, हाँ जो कि शुगर केन में होता है। डियर धीरज यहां पर डी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा धीरज। हाँ तो इसमें कौन सा आएगा, सोरोसिस की बात, किसकी बात करते हैं, सोरोसिस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है, भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है। सबसे पहला ऑप्शन 310, दूसरा इसमें 210, तीसरा है 400 और चौथा कौन सा होगा, 345। भैंस की औसत गर्भधारण कितने दिनों के लिए होता है, चार बता रहे इसमें दो, 310, बहुत ही शानदार 310, हाँ ठीक है डियर, इसमें ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो 310। अब इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए, वो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो रेस्पायरेशन, किसकी बात करते हैं, फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुकता है, किसके द्वारा इनहिबिट करता है। रुकना यहां पर लिख दिया, लेकिन कई बार इनहिबिट भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं उसमें पर, इनहिबिट की भी बात करते हैं। तो याद रखना फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, अब देखो यहां पर प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश अवसर नहीं आया वहां पर, मैंने आपको बोला था कि आपको मालूम चाहिए, वहां पर क्या आ गया, फोटो रेस्पायरेशन, वहां पर आपके पास प्रकाश
श्वसन की बात नहीं की वहां पर, ठीक है, प्रकाश श्वसन की बात नहीं करके डायरेक्टली क्या है वहां पर, फोटो रेस्पायरेशन। तो कई सारे इंग्लिश टर्म होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन इसमें 2,4-D डाई नाइट्रोफिनॉलिक द्वारा होता है, दूसरा एल्फा, ठीक है, कौन सा हो गया इसमें एल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट द्वारा, तीसरा इसमें CMU और DCMU द्वारा, ठीक है, और चौथा इसमें कौन सा हो गया इसमें बीटा, कौन सा है बी नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी एमाइड्स द्वारा, एमाइड्स द्वारा की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, रविंद्र बोले इसमें सी आएगा सर, बहुत ही अच्छा। दिनेश यहाँ पर सी बता रहे, धर्मेंद्र यादव यहाँ पर सी बता रहे, अनिल मीना पर सी बता सी, हाँ यहाँ पर बताया ज्योति ने भी यहाँ पर तीन बताया, तो कौन सा आएगा इसमें CMU और DCMU द्वारा, तो याद रखने इसमें कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ये आपके BHU के 50 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड। अब इस पेपर में आराम से एवोल्यूशन कर सकते हो कि अपनी तैयारी कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी भी थोड़ी बहुत कम है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना, जब भी पेपर सोल्व करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मेरी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है, और अपन जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताते जा रहे हैं। एक घंटे से आपको, एक से डेढ़ घंटे में आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो डेली इसी टाइम में आएंगे BHU के पेपर सोल्व करने के लिए, और अपने को इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करना है पेपर के पास में, 2-3 घंटे अपने को ऑब्जेक्ट करना है, तो क्यों नहीं अपने इसमें एक टाइम हो जाएगा 7:30 से 8:30, इसी घंटे को अपन ऑब्जेक्टिव के लिए दे, और अपना इसमें क्या ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों को वो भी अपन मालूम करेंगे। थैंक यू।